हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक स्टेप काउंटर एप्लीकेशन देखने वाले हैं जो आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए स्टेप काउंटर। ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2024 वर्जन, इसको हमको इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, स्टेप काउंटर, पेडोमीटर, और ये ऐड को क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका जेंडर क्या है। ऊपर में एक स्किप बटन भी है, आप चाहें तो ये सब स्किप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना हाइट सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। यहाँ से आप इसको केजी पे टॉगल कर लीजिए और अपना वेट दे दीजिए। यहाँ पर आपकी उम्र कितनी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। तो हमने इसको सारा परमिशन दे दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पर ऊपर में रिपोर्ट है और उसके नीचे आपका जो भी गोल आप ऐड करेंगे वो है। कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी यहाँ पे ट्रैक होगा। वाटर इंटेक का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ बगल में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ सेटिंग्स गियर है। इस पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है। जो भी डेटा आपने यहाँ पे इनपुट किया है वो डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक सेक्शन है स्टेप गोल और टारगेट वेट। स्टेप गोल पे आप टैप करेंगे तो ये आपका रोज़ का जितना आप चलना चाहते हैं स्टेप काउंटर यूज़ करके वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 6000 पे है, आप इसको बढ़ाकर अपने हिसाब से 10000 जैसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट वेट है, आप अपना वेट कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में और हमारा कोई काम नहीं है। और मोर पे जाएंगे तो मेट्रिक वगैरह है, जो आपने यहाँ पे डेटा एंटर किया था वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। हम मेन मेन्यू पे आते हैं अपने। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन मेन्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में जो स्टेप काउंटर है उसका काउंट दिया हुआ है, फिलहाल ये 0 पे है। इस पर आप टैप करेंगे, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको और भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आज का दिखा रहा है तो आज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने कितने फुट स्टेप्स लिए हैं। और यहाँ से आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि आप कितना चल रहे हैं। उसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा एक्टिव टाइम वगैरह आपको नज़र आ जाएगा कि आपका मोस्ट एक्टिव टाइम कौन सा रहा और आपने कितने स्टेप्स लिए उस दौरान। उस तरीके का यहाँ पे सारा चीज़ आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो इसको स्टॉप करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉज बटन जैसा बना हुआ है, उस पर टैप कीजिए। उस पर टैप करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा। उसके बाद 3 डॉट्स है, उस पर टैप कीजिए। यहाँ से आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप इसको ऑफ कर सकते हो, आप अपने स्टेप्स को रीसेट भी कर सकते हो। इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसके नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन है और यहाँ डिटेल का भी ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे तो आपको उसी ग्राफ पर लेके चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का ऑप्शन है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता चला जाएगा जैसे जैसे आप वॉक करेंगे। और यहाँ पे 72 की जो हमने वेट सेट किया था, जो हमारा टारगेट गोल है, वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो अपडेट पे टैप करके। तो ये काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेप्स को काउंट करने के लिए, और ये आपको काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तो ये था इस एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल। कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इसी तरीके के नई वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।